Why Bollywood cannot make comic accurate superheroes? मैंने रिसेंटली मिन्नल मुरली का ट्रेलर देखा और आज हम लोग इंडियन सुपर हीरो के बारे में ही बात करेंगे ओके okay, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और एक आर्टिस्ट हूँ और इस चैनल में मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं जितने भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं मैं उसी डायरे में रखना पसंद करता हूँ तो अगर आप लोग मेरे किसी भी पॉइंट से या फिर किसी भी बात से डिसग्री करते हो देन इट्स ओके बट दिस इज जस्ट माई ओपिनियन तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट वट इज अ सुपर हीरो क्योंकि सुपर हीरोज आर बॉर्न ऑफ मिथोस और मिथोस क्रिएट होती है हिस्ट्री से एंड सुपर हीरोज को जो एक चीज नॉर्मल हीरो से अलग करती है वो ये है कि एज एन ऑडियंस यू एंड आई आर विलिंग टू बिलीव इन देयर एबिलिटीज एट वट एवर दे कैन डू देखिए सौ बातों की एक बात है कि अभी तक इंडियन फिल्मों में जितने भी सुपर हीरो बने हैं कोई भी आइकॉनिक नहीं लगता शक्तिमान की बात अलग है शक्तिमान की बात आगे करेंगे हम लोग बट एट दी एंड ऑफ द डे दीज आर जस्ट मूवीज फॉर एग्जाम्पल पॉप कल्चर में जो ओरिजिनल जो ओ जी सुपर हीरो है दैट इज सुपरमैन राइट वी कैन ऑल एग्री ऑन दैट और सुपरमैन की जो पहली कॉमिक्स थी वो निकली थी 1938 में तो ऑलरेडी एक हिस्ट्री के साथ आई थी ये कैरेक्टर जब इसके ऊपर मूवीज सीरीज या फिर रेडियो शोज बनने लगी थी और इनफैक्ट 1978 में जो सुपरमैन की अब तक की सबसे ज्यादा पॉपुलर मूवी सुपरमैन द मूवी बनी थी तब भी एक लेगेसी ऑलरेडी था इस कैरेक्टर के पास एंड मैंने जो बिलीविंग इन द एबिलिटी के बारे में बात की थी तो जो 1978 की जो सुपरमैन द मूवी थी उस मूवी का टैगलाइन ये था कि यू विल बिलीव दैट अ मैन कैन फ्लाई

अब देखिए जो इंडियन सुपर हीरोज़ हैं मतलब राज कॉमिक्स हो या फिर आई थिंक मनोज कॉमिक्स था तो ये सारे जितने भी कॉमिक्स थे इनमें ऐसे बहुत सारे डिबेट्स में पढ़ता हूँ ऑनलाइन हो या फिर यूट्यूब वीडियोज़ में हो कि दिस करैक्टर इज़ कॉपीड फ्रॉम दिस करेक्टर दिस करैक्टर इज कॉपीड फ्रॉम दिस करैक्टर टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद दम बट एक चीज जो है इंडियन कॉमिक्स सुपर हीरोज़ के बारे में कि एवरी सुपर हीरो हैज़ अ डिफरेंट एंड यूनिक ओरिजिन स्टोरी और इसीलिए मैं कभी ये नहीं मानता कि कोई भी कैरेक्टर कहीं से कॉपीड है इंस्पायर्ड हो सकता है बट जो ओरिजिन स्टोरीज हमारे इंडियन सुपर हीरोज़ को दी गई है इनफैक्ट शक्तिमान की भी वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और ये चीज़ भी काफ़ी मैटर करती है क्योंकि मैंने आकार भाई से बात की थी जो कि खुद एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट है तो उन्होंने मुझे कॉमिक बुक मेकिंग का प्रोसेस बताया था कि जो डायलॉग बबल्स एंड जो फ्रेम्स होती हैं वो बन के आती हैं आर्टिस्ट के पास एन आर्टिस्ट को वो स्टोरी पढ़ के वो डायलॉग्स पढ़ के वो फ्रेम्स के हिसाब से ड्रॉ करना होता है सो इट्स अ रिएक्टिव प्रोसेस मतलब जो हम लोग को कॉमिक्स में दिखती है ना ये एक स्टोरी से रिएक्टिव आर्ट फॉर्म है ये एक प्रोएक्टिव आर्ट फॉर्म नहीं है लेकिन आपको पता ही है कि जो इंडियन फिल्म मेकर्स हैं आई एम नॉट से राइट और रॉन्ग बट आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट दैट कि इंडियन फिल्म मेकर्स ऑडियंस से रिएक्ट करती है कहानी से नहीं फॉर एग्जाम्पल दिस इज अजय देवगन कमिंग आउट ऑफ ए स्कॉर्पियो क्योंकि रोहित शेट्टी इज रिएक्टिंग टू द ऑडियंस बट एट द सेम टाइम जो ओरिजिनल सीन था रेड मूवी का हियर अ बैड बैडेस मर्सनरी इज कमिंग आउट ऑफ ए मूवी दिस इज नॉट ब्रूसुलिस इज द कैरेक्टर इन द मूवी रेड बिकॉज इट इज रिएक्टिंग टू दैट स्टोरी नॉट विद द ऑडियंस और अभी बहुत लोग कॉमेंट करने लग जाएंगे कि हॉलीवुड का चमचा है ये ये वो सी हम लोग इसे डिवाइड क्यों करते हैं कि हॉलीवुड बॉलीवुड सी फिल्म मेकिंग स्टोरी टेलिंग हॉलीवुड में भी ये चीज होता है आप देखिए फास्ट एंड फ्यूरियस में जो ये सीन था कि रॉक ब्रेकिंग हिज जो आर्म का जो मोल्ड होता है ये सीन आप इमेजिन कीजिए इस सीन को किसी भी अदर कास्ट मेंबर से इन द मूवी इन द सेम मूवी अगर आप किसी भी आ, दूसरे कास्ट मेंबर से अगर आप इस सीन को इमेजिन करोगे तो आपका ब्रेन इंस्टेंटली उसको रिजेक्ट कर देगा बिकॉज दिस इज डूंग द रॉक जॉनसन रिएक्टिंग टू द ऑडियंस यू आर रिएक्टिंग टू हिम नॉट विद द स्टोरी आपको रॉक का लेगेसी ऑलरेडी पता है एंड योर ब्रेन योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज रिएक्टिंग टू दैट लेगेसी बट एट द सेम टाइम जब स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्पाइडरमैन लिव्स अप द होल रैकेज इनफेक्ट वेन इन सिविल वॉर स्पाइडरमैन स्टॉप दॉम विंटर सोल्जर हिमसेल्फ आर ब्रेन इज रियक्टिंग टू स्पाइडरमैन वो कहानी हमसे रिएक्ट कर रही है यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल हीरो और एक सुपर हीरो में बिकॉज यू आर रेडी टू बिलीव एट वे डू और उसी के साथ आता है दर्ड पॉइंट इज दैट एक्सप्लेनेशन एंड आई थिंक इंडियन सुपर हीरो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इज दैट एक्सप्लेनेशन कि अगर कोई सुपर हीरो कुछ कर रहा है तो उसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि सुपर मैन इज एन एलियन दैट्स वाई ही कैन डू स्टाफ बैटमैन इज़ अ बिलियनर निंजा फिर टोनी uh, स्टार्क ने एक आयरन मैन सूट बनाया है कैप्टन अमेरिका हैज़ लाइक द बेस्ट स्टेरॉयड पॉसिबल इन हिस्ट्री और यही एक्सप्लेसन उनको सुपर हीरोज बनाती है जोकरस नहीं क्योंकि जब आप उनके एक्शन से उनका एक्सप्लेनेशन हटा दोगे दैन दिस हैपन्स तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती और यह एक्सप्लेनेशन कैसे सुपर को बनाती है उसको समझने के लिए वी जस्ट हैव टू लुक एट द ओरिजिनल सिक्स एवेंजर्स आप अगर वो लाइनअप को देखोगे तो आप ही बताइए कि इसमें से कौन से दो कैरेक्टर हैं जो आपको सुपर हीरो जैसे नहीं लगते यस आई नो कि सबने हॉकाई एंड ब्लैकविडो के बारे में सोचा होगा कि दे लुक बियॉन्ड दीज अदर कैरेक्टर्स क्योंकि उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है विद दैट कॉन्टेक्स्ट कि हाउ कैन human बींग कैन डू दिस थिंग्स फिर बात करते हैं बींग आइकॉनिक देखिए अभी भी मतलब अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो एंड अभी तक यू माई डिसग्री विथ मी की वट एवर आई एम सेंग नथिंग मेक सेंस क्योंकि शक्तिमान worked. विदाउट ऑल दिस थिंग्स जो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री नहीं था लेगेसी नहीं था कुछ भी नहीं था शक्तिमान वर्क इनफैक्ट क्रिस्टफर नोलन ने जो बैटमैन मूवी बनाई थी डैट ऑल्सो वर्क क्योंकि ही स्ट्रिप्ट द कैरेक्टर डाउन वो सब कुछ किया था बट एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्रिस्टोफर नोलन ने कैरेक्टर को री इन्वेंट किया था बट ही ऑल्सो डिन मैस विद द आइकॉनिक इमेजरी दैट द कैरेक्टर हैज इन इट्स लेगेसी वो उनको पता है कि अगर उस कैरेक्टर से उस आइकोनिक इमेजरी को अगर आप हटा दोगे दैन बैटमैन वॉन्ट बी बैटमैन और हम लोग इंडिया में जो अलग अलग सुपर हीरोज़ को ख़ुद से इन्वेंट करके अलग अलग मूवीज़ बनाते जा रहे हैं तो आप ही बताइए कि वो आइकॉनिक जो चीज़ है वो कैसे क्रिएट होगा वो जो हम लोग सीन्स को रिक्रिएट करना बोलते हैं कि अच्छा ये किया था वो किया था वो चीज़ कैसे कैसे होगा वो होगा ही नहीं बिकॉज वी आर जस्ट री इन्वेंटिंग ईच एंड एवरी टाइम और जब हम लोग आइकॉनिक इमेजरी की बात करते हैं इन द इंडियन मूवी कॉन्टेक्स तो आई थिंक मुझे पता नहीं क्यों इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास बट आई थिंक क्रिश का जो ये टेक ऑफ है एंड भावेश जोशी का जो ये वॉक एंड ऑल्सो शक्तिमान का ये पोज ये तीन चीजें ही मेरे दिमाग में आती है इन टर्म्स ऑफ आइकॉनिक इमेजरी इन इंडियन सुपर हीरो कॉन्टेक्स्ट तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाउ शक्तिमान वर्क इनफैक्ट इस स्क्रिप्ट को लिखते हुए भी इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हुए मुझे सबसे ज्यादा uh, मेहनत करनी पड़ी बिकॉज आई ऑल्सो वॉज वंडरिंग कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ इन सबके बाद भी शक्तिमान वर्क एंड हाउ मेरे हिसाब से शक्तिमान वर्क बिकॉज मुकेश खन्ना वॉज शक्तिमान एंड आई एग्री विथ हिम हंड्रेड परसेंट वेन ही सेस की वो किसी किसी को भी वो शक्तिमान नहीं बना सकते आई एप्सोल्यूटली एग्री विथ दैट बिकॉज वट ही अंडरस्टूड एट दैट पॉइंट किफ ही इज ए सुपर हीरोन ही इज नॉट अ सुपर हीरो इन हिज रियल लाइफ ही हैव टू बी अ सुपर हीरो इन हिज रियल लाइफ एज वेल वो एक हंड्रेड परसेंट सच बात है क्योंकि आप अगर देखोगे तो मार्वल डीसी उनके कॉन्ट्रैक्ट में रहता है वेन एवर दे साइन कॉन्ट्रैक्ट एक्टर्स उनके कॉन्ट्रैक्ट में रहता है कि हैव टू बी द कैरेक्टर इन देयर रियल लाइफ एज वेल और इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे कैरेक्टर जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है दे डोंट वांट टू गो बैक टू डे फ्रेंचाइजी आपने बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सी सुने होंगे बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली और अगर आप लोग रायन रेनल्स को देखेंगे तो डेटपुल करने के बाद लाइक ही इज द एक्टर जिन्होंने एमिटिवली हॉरर या फिर सेफ uh, हाउस जैसी मूवीज़ की थी लेकिन डेडपुल बनने के बाद इफ़ यू लुक एट हिज होल लाइफ मतलब हिज रियल रियल सोशल मीडिया प्रेजेंस एवरीथिंग हैज़ बिकम डेडपुल ही इज द डेडपुल राइट नाउ तो वही बात है कि हम लोग जब मुकेश खन्ना सर ऐसे बोलते हैं तो हम लोग उनके ऊपर हंसते हैं या बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं बट ये एब्सोल्युटली एक सच बात है एंड दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि शक्तिमान को जिन बच्चों ने देखा था दैट इज़ माय जनरेशन मतलब मुझसे में भी पाँच साल बड़े और मुझसे में भी पाँच साल छोटे कि मिड uh, एटीज से अर्ली नाइन्टीज तक जो uh, लोग पैदा हुए हैं उन लोगों ने ही शक्तिमान को देखा था एंड मुकेश खन्ना वाज इन द इंडस्ट्री जैसा कि वो बोलते हैं बट वी डिन नो हिम मतलब मुकेश खन्ना सर को हम लोग उतने अच्छे से नहीं पहचानते थे ही वॉज लाइक लिटरली अ न्यू फेस टू अस वेन ही बिकेम शक्तिमान बिकॉज जब उन्होंने महाभारत की थी तो बहुत सारे लोग हम लोग में से पैदा भी नहीं हुए थे एंड बाई द टाइम ही वॉज शक्तिमान तो हम लोग शक्तिमान को देख रहे थे डूइंग दोज ऑल अमेजिंग स्टफ और यही रीजन है कि अगर इंडिया में भी आइकॉनिक सुपर हीरोज बनाने हैं देन आई थिंक वी हैव जस्ट अराउंड टेन टू फिफ्टीन ईयर्स मोर उसके बाद ये सीन पूरा खत्म हो जाएगा और देखिए एक चीज कि इंडियन पॉप कल्चर में वी ऑलवेज हैड सुपर हीरोज लाइक बाई द एंड ऑफ हिज करियर धर्मपाजी ऑलमोस्ट बिकम ए सुपर हीरो Are you me? फिर मिथुन चक्रवर्ती भी ऑलमोस्ट सुपर हीरो ही बन गए थे बाय द एंड ऑफ हिज करियर रजनीकांत सर वॉज ऑलवेज सुपर हीरो फिर आपने भी देखा होगा कि हमारे एक्टर्स बहुत सारे ऐसे फीड्स परफॉर्म करते हैं ऑन स्क्रीन दोज आर सुपर हीरो बट उन सब में ना मैंने जितने भी अभी तक पॉइंट्स बताए उन सब की कमी है दैट्स वाई इट फील्स फनी We can always tell good stories. We can always make good movies. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग सुपर हीरो मूवीज नहीं बना सकते हम लोग बना सकते हैं लेकिन जो आइकॉनिक सुपर हीरो में बात कर रहा हूँ वो शायद हमसे और नहीं हो पाएगा और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इंडिया में ही है ऐसा इनफैक्ट जो शुरुआत के हॉलीवुड के जो सुपर हीरो मूवीज थे उनमें भी ना वो आइकॉनिक फील नहीं थी दोज आर ऑल्सो लाइक नॉर्मल मूवीज ओनली ऐसा लगता था और इनफैक्ट उनके भी एक्टर्स थे जो बहुत सारे अतरंगी कारनामें करते थे मतलब विदाउट एक्सप्लेनेशन It was all about who is uh, making bigger movies, who kills more people, who kills people more creatively, who has bigger knives, who has bigger guns and at the end I started running around with machine guns that were only used for helicopters, mounting on helicopters or oh, on tanks. It was crazy. It was all out war. And they also learned Creative process is a learning process, right? पहली हल्क मूवी देखी है तब आ, किसी को भी नहीं पता था कि कैसे कॉमिक बुक को कैसे अडाप्ट करेंगे एक मूवी में तो एंगली ने लिटरली वो जो स्प्लिट स्क्रीन एडिटिंग किया था टू मेक इट लुक लाइक ए कॉमिक बुक बट देन मार्वल आया डीसी आया एंड अभी हॉलीवुड के पास सिर्फ कॉमिक्स की लेगेसी नहीं उनके खुद की लेगेसी भी है लाइक मार्वल अगर अभी सांगची बनाता है जो जिसके बारे में किसी को नहीं पता था आई एम आई बेट कि इंडिया में किसी को भी शैंक्ची के बारे में नहीं पता था बट हम सब लोग देखने गए मतलब जितने लोगों ने भी देखा हम लोग देखने गए बिकॉज इट वॉज अ मार्वल प्रॉपर्टी तो हम लोग भी सीख ही जाएंगे ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं सीखेंगे इट्स ऑल ए लर्निंग प्रोसेस बट वट आई एम सींग इज दैट की वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम अब बात करते हैं वाई इंडियन सुपर हीरोज ने गॉट देयर मूवीज मेड अब जब मैं ये वीडियो के बारे में सोच रहा था या फिर मैं स्क्रिप्ट भी लिख रहा था तो मैं ये पॉइंट को ना स्किप करना चाहता था बिकॉज नहीं करना था मुझे इस पॉइंट के बारे में बात पर आपको भी पता है कि इस पॉइंट के बिना ये वीडियो कंप्लीट ही नहीं होगा तो इस पॉइंट के बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी ऐसे बिग इंडियन फिल्म मेकर्स या फिर फिल्म स्टार्स ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में सुपर हीरोज नहीं है तब मुझे बहुत गुस्सा आता है बिकॉज उनको आइडिया ही नहीं है कि द पूल वी हैव ऑफ कैरेक्टर्स और आप लोग को पता ही है कि मैं राज कॉमिक्स के ऊपर एक वीडियो बना रहा था मैंने जो लोगो एनिमेशन था वो भी अपलोड किया था बदन मैंने डिलीट भी कर दिया और जैसे ही मैंने वो अपलोड किया था तो मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स हैं आप लोगों ने ही बताया कि आ, मत डालो चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा ये होगा वो होगा एंड इट टर्न आउट टू बी ट्रू मतलब जो कॉमिक्स से मूवी अडापेशन का सीन है इन इंडिया इट्ज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड बाय द डे और आपको पता ही है कि अनुराग कश्यप आल्सो वाज मेकिंग ए मूवी ऑन डोगा बट आई थिंक वो भी कभी नहीं बनेगा बिकॉज इस पूरे प्रॉब्लम को समझाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड है दैट इज़ कॉपीराइट आई जस्ट वॉन्ट टू से द कॉमिक बुक मेकर्स या फिर कॉमिक बुक ओनर्स एंड द फिल्म मेकर्स आप लोग के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं प्लीज़ उसको सॉर्ट आउट कीजिए बिकॉज योर ऑडियंस डिजर्व ए गुड मूवी अ गुड स्टोरी इन द सिल्वर स्क्रीन और आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइए कि अगर वैसी एक मूवी बनी तो वो मूवी हिट होगी या फिर फ्लॉप और जाते जाते आई जस्ट वॉन्ट टू इमेजिन अ सीन इन अ थिएटर जहाँ पे एक मुंबई के अंधेरे काली गली में कुछ गुंडे कुछ गलत काम कर रहे हैं और हमें एक मैनहॉल का दरवाज़ा टूटा हुआ दिखता है और अंधेरे में मैनहॉल से कोई निकल के उन गुंडों के पास आता है तो उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये बदबू कैसी है तो दूसरा बंदा बोलता है अरे ये तो डोगा की बदबू है और सब लोग घूम के उस काले साइक की तरफ देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उन गुंडों में से एक गुंडे को इतना डर लगा देट ही पीड हिज पैंट्स और ये देख एक गुंडा ज़ोर से चिल्लाता है कौन है उधर और जवाब में वो काला साया रोशनी की तरफ आता है और हमें एक कुत्ते जैसा चेहरा दिखता है जो बोलता है मुंबई का बाप थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर आपको लगा कि मैं सही बोल रहा हूँ देन हिट द सब्सक्राइब बटन डोंट फोगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट कीजिए कि अगर वो मूवी बनी तो वो हिट होगी या फ्लॉप अगर आप देखोगे कि नहीं देखोगे सो दिस वॉज शमीम यू वॉचिंग की बाकी बी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो